नमस्कार, DTW24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। आज 1 सितंबर है और वक्त हो चला है आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालने की। तो आइए देखते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरें। आज बिहार में 1928 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,38,265 हो गई है। बिहार में फिलहाल 17,998 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजद में शामिल हुई चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा राय को लेकर चर्चा है कि वो राजद उम्मीदवार के तौर पर दानापुर से चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में रीतलाल यादव की दावेदारी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। आज राजद के एक और विधायक ने पाला बदल लिया है। तेघड़ा से राजद विधायक वीरेंद्र कुमार ने जदयू का दामन थाम लिया है। इससे पहले भी राजद के कई विधायक और विधान पार्षद राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुए हैं। चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को वर्चुअल रैली करने वाले हैं। इसके पहले जदयू दफ्तर का लुक बदल गया है। पार्टी के मुख्य द्वार पर जो होर्डिंग लगा है उस पर लिखा है विकसित बिहार नीतीश कुमार। प्लूरल्स पार्टी की ओर से पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। आज पार्टी में शामिल हुए पूर्व IAS अधिकारी अनुपम कुमार सुमन ने कहा कि पुष्पम प्रिया चौधरी की CM उम्मीदवारी को लेकर विज्ञापन पहले ही अखबारों में छप चुका है। वे प्लूरल्स पार्टी की CM के उम्मीदवार हैं। अररिया से एक हॉरर किलिंग का दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को शौचालय की टंकी में छुपा दिया। घटना 25 अगस्त की है। 6 दिन बाद जांच में पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। पटना में BMP 1 में एक महिला और पुरुष पुलिस कांस्टेबल ने खुद की गोली मारकर सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। मामला एयरपोर्ट थाना इलाके के BMP 1 कैंपस की है, जहां मंगलवार को 2 कांस्टेबल ने गोली मार लिया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। संजय झा ने हर साल बिहार में आ रहे बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए मदद मांगी। संजय झा ने कहा कि जब तक नेपाल में हाई डैम नहीं बन जाता, तब तक बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं मिल सकती है। बालिका गृह कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब ईडी ने ब्रजेश के चलने वाले वृद्धाश्रम के घर पर नोटिस चिपकाया है। यह आश्रम समस्तीपुर के अमीरगंज के मनोरमा भवन स्थित है। BPSC की ओर से दरोगा बहाली लिखित परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना को लेकर इस परीक्षा को पहले ही 2 बार 26 अप्रैल और 23 अगस्त को स्थगित किया गया था, लेकिन अब विभाग ने एग्जाम का डेट निर्धारित कर दिया है। 11 अक्टूबर को दरोगा बहाली की मुख्य परीक्षा लेने का निर्णय किया गया है। तो ये थी आज दिन भर की बिहार की 10 बड़ी खबरें। बहरहाल बिहार और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।